बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक और न्यू वीडियो से हाजिर हूँ। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपना फाइबर पे अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, पूरा अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी गिग लगाएंगे, ठीक है, फाइबर के ऊपर। और जो गिग को हमने रैंकिंग में लेके आना है, जो हमें ऑर्डर्स मिले ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी हम सीखेंगे। वो किस तरह से आपने कीवर्ड सर्च करनी है जिस पर कॉम्पिटिशन लो हो, ठीक है। और जैसे मैं आपको वो तरीका बताऊँगा इस वीडियो में, और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन सी सर्विसेज आप यहाँ पर दे रहे हैं। मैं एक दो सर्विसेज आपको मैं सिखा दूँगा इस वीडियो में ही, और जैसे कि हम फाइबर का अकाउंट कंप्लीट करेंगे, वो मैं आपको सर्विसेज भी इस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं पहले फाइबर पे लेके जाऊँगा, लेके जाता हूँ। और यहाँ पर हमने अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बेशुमार कैटेगरीज हैं, और यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आ जाए, आपको यहाँ पे बेशुमार मतलब कि कैटेगरीज मिल जाएंगी। उस पर आप जो भी आपको आता है वो आप सर्विसेज यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा कि आपने वीडियो को शॉर्ट नहीं जाना। और अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का निशान बने उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें। जो भी हमारी न्यू वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले हम अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो साइन इन पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो ज्वाइन पे क्लिक कर दें। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मतलब लगा देनी है, लिख देना है, ठीक है। तो मैंने पहले से सेलेक्ट किया है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा यूज़र नेम, यूज़र नेम आपने दे देना है। अभी मैं जैसे आपको मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में जो सर्विसेज में उसके रिलेटेड नेम यूज़र नेम दे रहा हूँ, आपने प्रोफेशनल किस्म का अच्छा यूज़र नेम देना है, ठीक है। ये क्लाइंट को मतलब काफ़ी अट्रैक्ट करता है ये चीज़ें, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब कि ऐसी फजूल लिख सकते हैं, मतलब उसको इतना फोकस नहीं करते उस चीज़ पर, ठीक है। लेकिन इस चीज़ पर आपने फोकस करना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी की मतलब यूज़र नेम लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ SEO, ठीक है। तो YouTube, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ। और YT, ठीक है, YouTube। अभी ये देखिए मैंने SEO लिख दिया, और यहाँ पे ये यूज़र नेम ओके है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या नाम है, पहला वर्ड आपने पासवर्ड पे कैपिटल रखना है, ठीक है। कैपिटल रखने के बाद जैसे कि मैं आपको इसे दिखाता हूँ, ठीक है। कैपिटल रखने के बाद आगे आपने उसके नंबर्स भी दे देने हैं, ठीक है। नंबर देने के बाद आपने कर देना ज्वाइन पे क्लिक। ज्वाइन में जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा अकाउंट अभी रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा अकाउंट हो गया है रेडी। सेव पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें एक जीमेल आ गई होगी फाइबर की तरफ से। तो ये हमें एक जीमेल आ गई, यहाँ पे देखें एक्टिवेट योर अकाउंट। जब तक आपको ये जीमेल नहीं आती तो आपने बार बार जी सेंड ईमेल पे क्लिक करते रहना है, ठीक है। अगर आ जाती है तो ओके या काम, ठीक है। तो आपने पहले इस पर एक्टिवेट कर लेना जीमेल अकाउंट से, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइबर ओपन एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी हमारा ये अकाउंट एक्टिव होगा, ये देखिए ये अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिव हो गया हमारा ये अकाउंट, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे मैं आपको सर्विसेज दिखाता हूँ पहले जो लोग दे रहे हैं, ठीक है। हम उस टॉपिक के ऊपर गिग बनाएंगे, ठीक है। तो चलें अभी यहाँ पर देखें, अभी मैं आपको यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करके देता हूँ, YouTube वीडियो SEO, ठीक है। YouTube, ठीक है, YouTube वीडियो SEO, ठीक है। ये मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस कीवर्ड पे देखें आप, आपने ये बात मतलब इस बात में आपने ना फोकस करना लगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 6650, ठीक है, 6650 सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं किस कीवर्ड पे, YouTube वीडियो SEO पे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ देखिए लोग सर्विसेज दे रहे हैं ये चीज़ें, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ये किस तरह से सर्विसेज देनी है, ये मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब आप इस पर एक चीज़ पे और आगे फोकस करते हैं हम, वीडियो आगे हम लिखे आगे एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे रैंकिंग का, ठीक है, रैंकिंग, ठीक है। अभी हमने एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया रैंकिंग का, तो यहाँ पे देखना सर्विसेज कम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा कीवर्ड है
चीज़ वही है, सर्विसेज कम होंगी। देखिए यहाँ पर देखिए 2709 सर्विसेज हैं, पिछली वन में ज़्यादा थी 6600 कुछ थी, तो यहाँ पे ये सर्विसेज हैं। आपने इस तरह से आपने कीवर्ड मतलब सर्च करने हैं, और ये इस तरह से आप कुछ सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं नीचे, आपको ये नीचे आपको यहाँ पे इस तरह से सजेस्टेड जो होती हैं कीवर्ड सर्विसेज फाइवर आपको मतलब के करते हैं। यहाँ पे आपने इस तरह से जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आपने यहाँ से इस तरह से सर्च करनी है और उसके कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। यूट्यूब इंट्रो पे आ जाइए, एक अलग सर्विसेज है। यहाँ पे देखें 2454 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। इस तरह से आप कुछ सर्विसेज दे सकते हैं। पहले हम चलते हैं अपने फाइवर का, हमने अकाउंट बना लिया, वेरीफाई कर लिया, इसको अब हमने करना है पहले। और अब हमने पूरी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है अच्छी तरीके से, प्रोफेशनल किस्म से, ठीक है। पहले आपने आई यूज़ फाइवर फॉर पर्सनली यहाँ पर क्लिक करके सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे आप, ये आपको पेन का निशान नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, जैसे कि जो से आप वीडियो एडिटिंग या SEO रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, या मैंने दे रहे हैं जो भी सर्विस दे रहे हैं आपने, वहाँ पर यहाँ पर कुछ लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दो सर्विसेज सिखाऊंगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक सर्विस लिख देते हैं वीडियो SEO, ठीक है। ये लिख दिया, मतलब यहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना है, जो भी आपकी सर्विस दे रहे हैं या यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। देने के बाद और यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर लगा के दे देता हूँ, जैसे ये हमने पिक्चर लगा ली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 2 steps कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर अब आगे नीचे आ जाएँ आप, यहाँ पे देना है आपने डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, जिस चीज़ पर आप एक्सपर्ट हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपने वही चीज़ लिखनी है, ऐसे नहीं कि जो आपको सर्विसेज नहीं भी आती वो आपने लिख दी है। आपने प्रोफेशनल किस्म से देना है, जैसे कि मैंने एक सर ये मैंने बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और ये आप यहाँ पे लिखने के बाद अपडेट पर क्लिक कर दें, ठीक है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऐड लैंग्वेज, यहाँ पर उर्दू मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उर्दू आ गई है, यहाँ पे ऐसे उस पर आपका लेवल कितना है, ठीक है। वो आप यहाँ पे लिखने के बाद ऐड कर सकते हैं, जो आपको लैंग्वेज आती हैं, फिर आप यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट करते हैं, ये हमारा एक, हमने एक वीडियो पे एक प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, एक हमने यहाँ पर छोटा सा लिखा जो सर्विस आप दे सकते हैं, मतलब कि जो कीवर्ड कह लें आप। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दी हमने, डिस्क्रिप्शन देने के बाद एक हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की है। उसके बाद आ जाएँ आप यहाँ पे, आप एक है टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं फाइवर के ऊपर। ये चीज़ क्लाइंट को बहुत अट्रैक्ट करती है, जो काफ़ी लोगों ने दिया होता है, अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी लोग ये भी हैं पाकिस्तान में कि वो नहीं देते। यहाँ पे आपका एक टेस्ट लिया जाता है, वो ये होता है कि आपने अपना ग्रामर के रिलेटेड मतलब कि इंग्लिश आपकी किस तरह से है, वो इस चीज़ का आपका टेस्ट लेंगे एज आ फिलिंग इन द ब्लैंक। जो फिलिंग द ब्लैंक होती हैं उसमें मतलब कि MCQs कह रहे हैं आप, ठीक है। MCQs की तरह आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, वो एक सेंटेंस लिखा होगा, उस पर 4 ऑप्शन होगा, आपने उसको करेक्ट बताना होगा। तो यहाँ पे 100 आई थिंक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वो आपको देना होगा। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप इसको भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं लिंक्ड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपके जो भी फेसबुक लिंक है, गूगल का जो भी, आपके ट्विटर के जो भी लिंक्स हैं, वो आप यहाँ पर अटैच कर दें। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे मैं ये लिंक अटैच करना ज़रूरी है, तो मैं अभी यहाँ पे गूगल का ही लिंक मतलब के अटैच कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ अलाउ पे क्लिक, तो करने के बाद ये हमारा एक अकाउंट भी मतलब के यहाँ पे लिंक हो गया। ये देखें, इस तरह से एक आइकन बन के आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने आ जाना नीचे, उसके बाद आ जाता है स्किल, ठीक है। अब आप कौन सी स्किल्स दे रहे हैं, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आप स्किल्स दे रहे हैं, जैसे कि वेब स्क्रैपिंग या वीडियो SEO, या हम लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ पे। जैसे हम लिखते हैं वीडियो, ठीक है, वीडियो SEO, ठीक है। लिखने के बाद ये हमने लिख दिया, जैसे जैसे भी कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आप देखें यहाँ पे लेवल्स,
आप उस पर एक्सपर्ट हैं या बिगनर हैं जो भी हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। हम एक्सपर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा गलत हो गया, स्पेलिंग ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद आपने ऐड कर देना, ठीक है। एक हमारी इसकी लागी, अगर आप और करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। हम एक और भी कर लेते हैं सिलेक्ट, और वेब स्क्रैपिंग भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये वेब स्क्रैपिंग लिख दिया हमने, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग आ गया, इसमें हम एक्सपर्ट कर लेते हैं या बिजनेस कर लेते हैं, जो भी कर सकते हैं आप करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आ गए यहाँ पे आपको जो सी स्किल्स हैं, जैसे आप जिस कैटेगरी के आप दे रहे हैं ना, आपको नीचे ये सजेस्ट भी करता है, ठीक है। डाटा एंट्री इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पे एक्सपर्ट कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऐड कर लिया। इसके बाद आ जाए एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में आपने ऐड करना है, तो यहाँ पे आपने पहले तो आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो सा स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, जो भी आपका है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दें। जैसे कि मैं लिख देता हूँ ये पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, कॉलेजेस। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपने टाइटल देना है, आपने क्या किया हुआ है, जो भी किया। अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया तो अलर्ट पर क्लिक करके यहाँ पे आप लिख दें सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया कुछ भी लिख दें, ठीक है, सोशल मीडिया। यहाँ पे देखें ये आ गया, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पे आप ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कब से आपने ये किया हुआ है ये चीज़, ठीक है। यहाँ टर्न कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ये चीज़ आपने कर दिया, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा काफ़ी मतलब कि ऐड हो गया है, ठीक है। तो आगे हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने पिक्चर, अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे करते हैं क्रिएट गिग के ऊपर क्लिक, ठीक है। क्रिएट गिग के ऊपर आएंगे आप, तो यहाँ पे आपने करना है कंटिन्यू पे क्लिक, फिर कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। जो हम डिस्क्रिप्शन थी वो यहाँ पे आ गई, जो हमने पहले से काम करके आ गए हैं वो यहाँ पे आपका आगे आके आपको काम नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। हमने पिक्चर भी लगा ली थी, हम यहाँ फर्स्ट में लास्ट में दे देते हैं, ठीक है। और ये हमने अपना नाम दे दिया, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप पिछले जैसे मैंने आपको सिखाया कि अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह पिक्चर वगैरह नहीं देंगे, तो आपको फिर गिग क्रिएट करते वक्त आपको सारा कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएँ, तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, किस कैटेगरी में क्या चीज़ दे रहे हैं आप, ठीक है। तो हम आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो एस टी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम सर्विसेज देंगे, और यहाँ पे हम ईयर ध्यान बताने कौन सी है, कहाँ कब से लेके कब तक है, ये इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारी कंप्लीट हुई है, 35% कंप्लीट हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आने के बाद आप नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे एक्सपर्ट जो डाटा एंट्री वेब स्क्रैपिंग जो भी हमें स्किल दी होंगी पहले से ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट आपको दे रहे हैं पर्सनल वेबसाइट, अगर नहीं है तो इससे भी आप छोड़ सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक इशू है, वो ये है कि यहाँ पे हम ये दे देते हैं, यहाँ पे हमने ना अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी वो चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम आगे अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एक जो हमने लिंक अटैच किया था गूगल का, वो भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अगर आप फेसबुक का, ट्विटर का जो भी है, अब यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, जो हमने पहले से दे दिया है। अब यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल तो वेरीफाइड है, अब आपने यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर कंट्री के, जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको एक कोड आएगा, जो कोड आपको यहाँ पे देना होगा। मैं आपको यहाँ पे नंबर, अच्छा ये अब हमने इतना कुछ कर दिया है, तो यहाँ पे हमारी पहले ईमेल हमारी ये वेरीफाइड थी, ठीक है। अब हमारा आ गया फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी देना ज़रूरी है। अब ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे, पाकिस्तान ऑलरेडी है, यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, ठीक है। जो भी वो कर रहा हूँ थोड़ा सा पॉज, तो फिर बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, जब आप नंबर वगैरह अपना वेरीफाई कर लेंगे, सब कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपके लिए क्रिएट गिग के लिए सारा कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है वो अब आपको सिखाना है कि आपने गिग किस तरह से बनानी है, ठीक है। तो
आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर टाइटल पे आपने पहले ही तो जाना है फाइवर के ऊपर, ठीक है। फाइवर पे हमने कुछ चीज़ें सर्च करनी है, ऐसा जैसे कि मैंने आपको सिखाया था पहले यूट्यूब वीडियो का बताया था मैंने, ठीक है ना, यूट्यूब, ठीक है, वीडियो SEO, ठीक है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने ना ये वाली गिग्स तैयार करनी है, इसका मैं अब आपको बताता हूँ कि आप ये सर्विसेज किस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएँ, ये हमारी वीडियो, ये अभी इसने 90 वाले कम्प्लीट कर दी है, लेवल 2 पे सेलर हैं ये, ठीक है। आई विल डू SEO यूट्यूब वीडियो प्रमोशन, ये करेंगे, इनके 3 पैकेजेज हैं, ठीक है। तो अब आपने ये किस तरह से करने हैं कि और ये वीडियो किस तरह से देखे आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे आए थे डिजिटल या डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, वीडियो प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पे पहले हम अभी मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपने इस तरह से नहीं करना कॉपी पेस्ट, आपने कुछ अपनी वर्डिंग ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। आई विल को यहाँ से हटा देते हैं, आई विल डू, ठीक है, वीडियो SEO SEO वीडियो YouTube वीडियो, ठीक है, इस तरह से आप कर दें, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे ये सेट कर लें, और यहाँ पे सर्विसेज पे आ जाएँ, और यहाँ पे वीडियो SEO पे आ जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे टैग्स, अब आपने टैग्स जो मेन टॉपिक है आपका, इस पे आपने टैग्स आपने जो रैंकिंग में आते हैं वो सर्च करने हैं। अभी हमने ये सर्च किया था इस पे इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इस टैग को कॉपी करके इस टैग को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए YouTube वीडियो SEO, ठीक है, YouTube वीडियो SEO यहाँ किस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ, SEO YouTube SEO सर्विसेज, ठीक है, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अभी आप जैसे जो आपने टाइटल पे दिया है एक वर्ड, वो आपने यहाँ पे भी देना है, ठीक है। अभी देखें SEO YouTube वीडियो SEO, ठीक है ना, ये हमारा हो गया, ठीक है। हम देते हैं एक SEO YouTube वीडियो, ठीक है, ये हमें दे दिया, सॉरी, और ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमने सर्च यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। ये आपने कुछ इस तरह से करना है, मेन टॉपिक मेरा ये समझाने का आपको, जो आप टाइटल के ऊपर एक अपना कीवर्ड दे रहे हैं वो अपने टैग के ऊपर भी देना है, और जिस कैटेगरी के ऊपर है उसके अनुसार एक कीवर्ड है वो अपने टैग के ऊपर भी देना है, क्योंकि वो रैंकिंग बनाने में हेल्प करती है। अभी हम यहाँ पे ये SEO को रिमूव करते हैं और इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इस पे 6115 सर्विसेज हैं, यहाँ पे हम वीडियो के आगे हम लिखा देते हैं, रैंकिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रैंकिंग लिख दिया है और यहाँ पे इंटर कर दिया है, तो इस कीवर्ड पे और कम सर्विसेज हैं, ठीक है। आपने जो सर्विसेज देने हैं आपने ना ये कीवर्ड आपने इसके टॉपिक के ऊपर सर्च करना है फाइवर के ऊपर कि आपने सर्विसेज कौन सी देनी है, ठीक है। तो और ये थोड़ा सा एरर आ गया, आपने अब इस पर देखेंगे इतनी सर्विसेज में हैं, ठीक है। तो आपने ये सर्च कर करके आपने ये टैग्स डालने हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ गई होगी कि क्या गेम होती है रैंकिंग मिलाने के लिए, ठीक है, ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। आपने सर्च करते रहना जब तक आपको इस कम से कम मतलब ये ना मिले। अभी मैं यहाँ पे एक SEO डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वीडियो YouTube वीडियो SEO रैंकिंग, अब देखना इस पर कितने काम होगा कंपटीशन, देख लें 2711 और कम हो गया। अब इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ कीवर्ड को, ठीक है। इस ये आपने लाजमी से सर्च करते हैं और ये इस तरह से करना है। अब यहाँ पे 5 मतलब ये टैग्स डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए हमारे। हम आगे हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ हो रहा है ये चीज़। तो यहाँ पे अब ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि सिंपली यहाँ पे जाके और वीडियो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा इशू आ रहा है ऐसा, टैग लिस्ट कर नोट कौन से टैग विद कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पे हम 3 वर्ड से ज़्यादा टैग इस्तेमाल नहीं कर सकते,
चलिए यहाँ पे मैंने अभी इतना कर दिया फिलहाल, अभी आप आगे चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। और आगे हमारा ये आ जाता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बनाने हैं आपके 3 पैकेजेस, ठीक है। और यहाँ पे आप जब इसको आप इनेबल करेंगे तो गोटेड कर दें, तो ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 पैकेजेस आ जाएंगे, जैसे भी आप दे सकते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक की जगह मैं बेसिक ही लिख देता हूँ, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख दें, मैं सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें 1KVIEWS व्यूज इन VIDEO, ठीक है। ये इस तरह से कुछ लिख दें और डिलीवरी टाइमिंग आप लगा दें 1 day, 2 day, 3 day, और यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्राइस रख सकते हैं, $10 जितने भी रख सकते हैं, तो लिंक वगैरह दे रहे हैं जो कुछ दे रहे हैं आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, तो अभी मैं सिर्फ बेसिक पे लेके चलूँगा आपको, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देना है अपने डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अब हमने इनकी वीडियो के ऊपर जायजा वीडियो के ऊपर जायजा लगाना है कि किस तरह से ये दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये उसको सर्विस दे रहे हैं, आपने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट भी कर लेना है, अगर नहीं कर अगर आपने ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी पेस्ट करना है, आपने कुछ करना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ थोड़ा बहुत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं, आपने प्रोफेशनल किस्म का डिस्क्रिप्शन और ये टैग देने हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई रिक्वायरमेंट, अभी कस्टमर जैसे आता है, क्लाइंट आता है, उसको आप क्या कह रहे हैं, मतलब कि क्या चीज़ आप उसको ऐसा लेना चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको वीडियो SEO करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें, कुछ भी लिख दें, वीडियो या वीडियो लिंक लिख दें, ठीक है, वीडियो लिंक, ठीक है, YouTube वीडियो लिंक, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं आप YouTube वीडियो लिंक, ठीक है। ये आपका क्लाइंट समझेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अभी ये मैंने आपको गिग बनाना सिखा तो दी है किस तरह से लगानी है गिग, अभी मैं चाहूँगा कि इस सर्विस में काम किस तरह से करना है वो भी मैं आपको सिखा दूँगा, लेकिन हम ये मिसाल के तौर पर अभी हम एक ही पिक्चर यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप GIF वीडियो लगा सकते हैं, यहाँ पे GIF PDF लगा सकते हैं, इसलिए हमने पिक्चर लगा दी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद ये हमारी गिग तैयार हो गई है, ये हम पब्लिश गिग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा गिग का लिंक आ गया, ठीक है। और जैसे कि हम इस गिग लिंक को कॉपी कर लेते हैं और न्यू टैब पर जाके ओपन करते हैं, तो ये देखिए हमारी ये गिग यहाँ पे शो हो गई है। ये देखें, जैसे हमने गिग तैयार की थी, 1K वीडियो ये $10 हमें लगाया था, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो अभी देखें, अभी इस गिग पर काम किस तरह से करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब हम इसे बंद कर लेते हैं, अब हम न्यू डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहाँ पे आ गए हैं। अब हमने करना है कि वीडियो की SEO वगैरह वो सारा कुछ। अब एक वेबसाइट आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ, वो है FreeUYT SEO Tool, ठीक है। इस साइट का लिंक मैं आपको दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब ये वेबसाइट देखें आपके लिए क्या काम करेगी। अभी हम यहाँ पे यूट्यूब SEO टैग्स जनरेटर, ये हमारा टैग्स जनरेट करेगी, जो भी हम यहाँ पे एक आपने छोटा सा एक इसको टाइटल देना है, ठीक है, जो भी आपकी वीडियो है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये आपको उसके रिलेटेड अच्छे टैग जनरेट करके देगी, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे इस तरह से लिखता हूँ यूट्यूब वीडियो SEO, अभी मैंने इतना से लिखा है, ठीक है। ये सबमिट मैं इस पर करूँगा, जैसे ही अभी आप चेक करना कि ये क्या करके देगा, इतने आउटलास्ट ये हमें वो जनरेट करके देगा। ये देखें, वीडियो यूट्यूब SEO, वीडियो SEO, यूट्यूब वीडियो SEO, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, मतलब ये जितने भी अच्छे अच्छे जो रैंकिंग में आते हैं टैग्स, ये हमें करके देगा। हमें सिंपली कॉपी कर लेना है, हम इसे अपने टैग में यूज़ कर सकते हैं, जो क्लाइंट आते आता है आपके पास उसको भी आप इस तरह से ये सर्विसेज दे सकते हैं। और आगे आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस साइड से एक साइड इस साइड पे आप टैग्स जनरेट कर लिए, अब आपने करना है टाइटल जनरेट, ठीक है।
वो किस तरह यहाँ टाइटल जनरेटर पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यूट्यूब टाइटल जनरेटर। फिर यहाँ पे एस सी लिख देंगे, ये इस तरह से जो पहले लिखा था यहाँ सबमिट कर देंगे। ये हमें और खास किस्म का अच्छे किस्म का हमें टैग जनरेट करके देगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब ये देखें जो रैंकिंग में आती हैं टैग्स, ये हमें उसने जनरेट करके दिए हैं, ठीक है। वीडियो SEO रैंकिंग फॉर यू वीडियो #1 इन यूट्यूब फर्स्ट, ठीक है। देखें कि कितने अच्छे अच्छे टैग इसने जनरेट करके दिए हैं, जो से आपकी वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ और आ सकते हैं, और ये क्लाइंट को आप सर्विसेज सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक चीज़ हो गई है। अभी मैं आपको एक और टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूँ, वो है वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। अभी आपके अभी मैंने आपको फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना सिखा दिया है, टैग बनाना सिखा दिया, टैग मतलब जो किस तरह से आपने सर्च करने हैं वो मैंने आपको सिखा दी है। तो अभी हमारी एक सर्विस रह गई है जो मैंने कहा था कि मैं आपको दो सर्विस सिखाऊंगा इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही होगी, यार वीडियो पसंद आ रही है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर जाता हूँ दूसरी सर्विस की तरफ, ठीक है। वो सर्विसेज क्या है, उसमें आपने क्या करना है कि जो होती है वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेब स्क्रैपिंग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। और लिखने के बाद यहाँ मैंने इसको सर्च कर दिया, तो यहाँ पे देखें वेब स्क्रैपिंग के ऊपर काफ़ी सर्विसेज आ रही हैं, इस कीवर्ड पे इतनी सर्विसेज हैं। यहाँ पे आप मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि मुख्तलिफ आपने कीवर्ड सर्च करने आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जैसे ये है, ये किस तरह से ये करके दे रहे हैं सर्विसेज, किस तरह से दे रहे हैं ये सारा कुछ, तो इसके पीछे भी आपको कुछ राज होती हैं जो कुछ लोग नहीं पाते। मैं आपको सारा कुछ शेयर करूँगा इस चैनल से, आप बने रहें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आप ये किस तरह से सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको एक दूंगा मैं आपको एक कीवर्ड दूंगा या कुछ ऐसा वर्ड दूंगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के ऊपर सिंपली, ठीक है। तो ये चीज़ क्या काम करेगी, जैसे आपने लिखा ना साइट www.scxyz.com। अब ये देखें, अब आपने इस चीज़ को समझना है। अभी मैं इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं क्रोम पे, तो यहाँ पे मैंने गूगल पे जाना, आपने लमिया के पास आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखें जैसे कि आप मैंने पहले से ये सर्च किया था, ठीक है ना, और जैसे कि मैंने वो पहले यहाँ पे मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, आप कहेंगे आपने भी वीडियो किस तरह से बना दी। तो यहाँ पे XYZ ये सारा कुछ हमने लिख दिया, यहाँ पे जो सा है ना साइट XYZ की आपने थोड़ा सा इसको रिमूव करना है। यहाँ पे आप आपका क्लाइंट कहता है कि हमें फेसबुक की ऊपर जो जितनी भी जी मेल हैं वो सारा कुछ हमें स्क्रैप करके दें, ठीक है। या फिर आपका क्लाइंट कहता है कि इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, ठीक है ना, जो भी साइट हैं इन पर आप करके दें। जैसे हम यहाँ पे फेसबुक देख सकते हैं, ठीक है, फेसबुक, ठीक है, ये लिख दिया फेसबुक, लिख दिया हमने .com, ठीक है, facebook.com। नीच का मतलब होता है यार, जैसे कि उस जैसे डॉक्टर हो गए, जो टीचर हो गए हैं, या कोई वेब डेवलपर हो गए, जो जैसे भी इनके नीच होती है, ठीक है ना। जैसे प्लम्बर हो गया, यार मैं आपको आसान लफ्ज में समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई काम करने आता है प्लम्बर होता है वो इस तरह से, ठीक है। जहाँ हम अभी हमारे क्लाइंट को फेसबुक साइट फेसबुक हो, डॉक्टर की नीच हो, ठीक है, देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर लिख दिया। और यहाँ पे लोकेशन ये कह रहा है, लोकेशन आपकी जैसे कि वो आपको क्लाइंट आपको ये सारा कुछ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, लोकेशन डॉक्टर जो भी है, ठीक है। आपने बस जहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ दी है ना, आपने बस इसके ऊपर जाकर ये सारा कुछ लिखते रहना है। यहाँ पे कहता है क्लाइंट हमारा कैलिफोर्निया लोकेशन है, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया को चाहिए, और ID उसको ईमेल पे चाहिए या जाहू पे चाहिए, जीमेल पे चाहिए, किस पे उसको ये स्क्रैपिंग करानी है। जैसे हम क्लाइंट अक्सर जीमेल ही कराते हैं क्योंकि जीमेल ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्लाइंट, ठीक है। आपने ये चीज़ करने के बाद आपने सिर्फ इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा एरर आया है, एक मिनट ID मैंने आपने वो करना है, ठीक है, इंटर करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिलना कुछ गड़बड़ कर दी है आई थिंक। तो यहाँ पर मैं सिंपली जैसे ये देखें कैलिफोर्निया जीमेल जैसा कुछ इस तरह से आपने सब्सक्राइब मतलब इस तरह से कर लेना है। आप जैसे ही आप
वो उस चीज़ सर्च करेंगे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद अभी देखें, अभी इसके लिए ना आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखें यहाँ पे एक ये जीमेल आ रही है, ठीक है, और मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे इसका व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है और ईमेल ये आ रही है। अभी एक एक कॉपी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप ये सर्च कर लेंगे, पहले आपने सबसे पहले काम करना है सेटिंग में आना है, सर्च सेटिंग पे क्लिक करना है। सर्च सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये आपका ना 10 पे होगा, ठीक है, आपने इसको 100 पे कर लेना है इसको। ठीक है, यहाँ पे इसका फायदा ये होगा कि आप जैसे 100 पे करेंगे आपको फर्स्ट पेज पे 100 लिस्ट शो हो जाएगी 10 के बजाय। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अभी देखें, ये आपने सारा कुछ कर लिया, अभी एक एक कॉपी करना बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है सेंस टूल। ठीक है, जो मैंने पहले साइड ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये साइड है, यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाऊँगा, अच्छा ये साइड आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये साइड आ जाएगी आपको सामने गूगल के ऊपर। वैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, भाई आप कहेंगे भाई आपने हमें ओपन करके नहीं दिखाया या कुछ ना, कुछ आपने कर दिया सेंस टूल। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपके सामने कुछ थोड़ी सी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आई थिंक जी। अभी देखें, ये आपके सामने इस तरह से आ गया, ये आपके सामने सेंस टूल लिखना है आपने गूगल पे। ठीक है, ये चीज़ लिखनी है आपने, तो आपके सामने ये आ जाएगी। पहली वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जो वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन करके रखी थी ये भी ओपन हो गई है। अभी ये देखें ये क्या काम करेगा, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना ऊपर की तरफ, ऐसे करेंगे ये यहाँ पे समझ हो जाएगा कि मैंने पहले से करके रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद ये आपका काम कंप्लीट हो गया। आप इसको क्लोज कर सकते हैं, इससे क्लोज कर दें, इससे क्लोज कर दें। ठीक है, तो अभी ये हमारी हमने ये सर्च किया था, इसमें इतनी लिस्टें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जाना सेंस टूल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे करेंगे स्क्रैप ईमेल, इस पर हमने क्लिक करना है। आप देखें कि हमें हमारे पास इतनी ईमेल्स विदिन अ सेकंड आ गई हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से ये ईमेल स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैंने स्क्रैप कर लिया, तो आगे आप जा सकते हैं सेकेंड पेज की तरफ। देखें सेकेंड पेज पर आ जाएँ आप। ठीक है, तो फिर से आपने इस पर क्लिक करना है, स्क्रैप ईमेल करनी है, ये और आ गई है। ठीक है, ये जीमेल जो हमने सेट की थी जीमेल पे आई है। अगर हम ईमेल पे करेंगे ईमेल पे आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर कर दिया तो यहाँ पे सारी ईमेल के ऊपर आएंगी। अभी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ईमेल, तो यहाँ पे live.com gmail इस तरह से आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी जो लोकेशन है ये आपको कहीं भी इस लोकेशन में नहीं मिल रही, आपने सिटी के बजाना है जाने के बाद जो उसके जो कंट्री है उसकी सिटी हमने सर्च करनी है, उस जगह सर्च करनी है आपने गूगल के ऊपर, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को और आदमी से सब्सक्राइब करें आपने बल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ें समझना आई हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा इस आप जो भी कहेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होगी वीडियो बनाने के ऊपर इस चीज़ को समझ नहीं, तो मैं आपको अच्छी तरह से मेरा जितनी कोशिश हो सके मैं आपको समझा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।